दिनेश एक गरीब किसान है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी एक 17 साल की बेटी सिमरन है। तीनों लोग खेती का काम करके ही अपना पेट पालते हैं और उसी में खुश हैं। मैं बीज लेकर आ रहा हूँ, तुम दोनों तब तक बैलों को लेकर खेतों में जाओ। सीमा और सिमरन खेत पहुंचकर इंतजार करते हैं और दिनेश बीज लेकर आ जाता है। दिनेश इन्हीं बीजों को अपने खेत में बोने लगता है। सीमा और सिमरन भी बुआई के काम में उसकी मदद करते हैं। तभी एक आदमी उसके खेतों के पास से गुजरता है और दिनेश को डांटता है। तुम इस नाबालिग बच्ची से क्यों काम करवा रहे हो? इसकी तो अभी पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। ये मेरी बेटी है और अपने ही खेत में काम कर रही है। तुम्हारी बेटी ही क्यों ना हो, तुम इससे बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। ये कानूनन अपराध है और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। कल से अपनी बेटी को स्कूल भेजना। अगर मुझे ये फिर से खेत में काम करते हुए दिखी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। वैसे भी मैं सरकारी विभाग में काम करता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर दिनेश घबरा जाता है और सिमरन को स्कूल भेजने का फैसला लेता है। वो खेत को अधूरा जोता हुआ छोड़कर स्कूल जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है। मुझे अपनी बेटी का दाखिला इस स्कूल में करवाना है। ठीक है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप 20,000 रुपए एडमिशन फीस भर दीजिए, मैं आपकी बेटी का एडमिशन कर दूंगी। 20,000 रुपए की बात सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह जाता है। आप एक हफ्ते में फीस जमा कर दीजिए, फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे। दिनेश ये सोचते हुए अपने खेत की तरफ आता है कि वो एक हफ्ते में 20,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगा। वो खेत में पहुँचता है। कहाँ चले गए थे अचानक से? मैं स्कूल में सिमरन के एडमिशन के लिए पता करने गया था। वो लोग 20,000 रुपए एडमिशन फीस बता रहे थे। पर हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? जो भी करना पड़े, बेटी का स्कूल में दाखिला तो करवाना ही पड़ेगा। और ये मैं जेल जाने के डर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सिमरन के भविष्य के लिए भी यही ठीक रहेगा। कब तक वो हमारे साथ खेतों में काम करेगी? दिनेश अब पैसे जुटाने की हर कोशिश करता है। वो लोगों से उधार मांगता है, पर गरीब होने की वजह से कोई भी उसे उधार नहीं देता। वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे जोड़कर देखता है। ये तो सिर्फ 3,000 ही है। 2 दिन निकल गए हैं। अगर जल्दी ही पैसे नहीं जुटा पाया तो मेरी सिमरन इस साल स्कूल नहीं जा पाएगी। जब दिनेश के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने घर का अनाज बेचता है। क्या कर रहे हैं जी आप? अनाज बेच देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हमारे भूखे रहने से हमारी बेटी स्कूल जा सकती है तो मैं भूखा रहने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। दिनेश अपने घर का सारा अनाज बेच देता है और उससे मिले पैसों से सिमरन का स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और ये खुशखबरी घर आकर सभी को सुनाता है। दाखिला हो गया है, अब कल से मेरी बेटी स्कूल जाएगी और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेगी। अगले दिन से सिमरन स्कूल जाती है, पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, वो देखो उस लड़की ने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। छी, ये तो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लग रही है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये खेतों में काम करने वाली कोई मजदूर हो। सिमरन ने वही फटे हुए और मिट्टी से सने कपड़े पहने हुए हैं जिन्हें पहनकर वो खेतों में काम करने के लिए जाया करती है। तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, जाकर कहीं और बैठ जाओ। सिमरन को स्टूडेंट की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जाकर पीछे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, पर वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। स्कूल की छुट्टी होती है और एक मोटी लड़की सिमरन के पास आती है। तुम्हारे पास स्कूल ड्रेस नहीं है ना, इसलिए सभी तुमसे दूर भाग रही है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी पुरानी ड्रेस है, मैं वो ड्रेस कल तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। सिमरन को लगता है कि वो लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। किसी की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो मोटी होने की वजह से सभी लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तब मैं भी बहुत रोई थी। पता है ये लोग मुझे क्या कहकर चिढ़ाते थे? क्या कहते थे? मोटी भैंस। देखा, तुम्हारा मूड ठीक कर दिया ना।
अब घर जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आऊंगी। और दोनों अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सिमरन को बहुत अच्छा महसूस हुआ, उसे खुशी हो रही थी कि उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई है। सिमरन खुशी खुशी घर जाती है और अपने दोस्त के बारे में अपनी माँ को बताती है। सीमा और दिनेश बहुत खुश हैं कि सिमरन दूसरे बच्चों से जल्दी ही घुलने मिलने लगी है और उसकी एक दोस्त भी बन गई है। अगले दिन जब सिमरन स्कूल जाती है तो वो मोटी लड़की पहले से वहाँ उसके लिए ड्रेस लेकर पहुँची हुई थी। ये लो, वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आ जाओ। सिमरन ड्रेस चेंज करके आती है पर ये ड्रेस उस पर बहुत ढीली हो रही है। इसके साथ ही उस ड्रेस को जगह जगह से चूहों ने काटा हुआ है, जिससे पूरी ड्रेस पर छेद हो रखे हैं। सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो, उस लड़की ने कितने ढीले कपड़े पहने हुए हैं और कपड़ों पर छेद भी हो रखे हैं। हाँ हाँ, ये छेद देखकर तो लग रहा है कि ये कपड़े चूहों ने अपनी दावत में पहने थे। वो मोटी लड़की भी उन्हीं के बीच खड़ी है। ये देखकर सिमरन को लगता है कि उसने जानबूझकर सिमरन को ये फटी हुई ड्रेस दी है ताकि स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा सके। सिमरन रोते हुए स्कूल से चली जाती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? पर ये बात मैं घर पर नहीं बताऊंगी, नहीं तो मम्मी पापा को बहुत चिंता होगी। अब सिमरन मजाक बनने के डर से स्कूल जाना छोड़ देती है। वो सुबह घर से तो निकलती है पर स्कूल नहीं जाती है और एक महीने तक ऐसा ही चलता है, जिससे प्रिंसिपल सिमरन का स्कूल से नाम काट देती है। जब ये बात दिनेश को पता चलती है तो वो सिमरन को बहुत डांटता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दाखिले के लिए हमने घर का अनाज तक बेच दिया और तुम स्कूल जाने की बजाय रास्ते में समय बर्बाद करती हो। तुम तो कह रही थी स्कूल में तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन गई है, फिर क्या हो गया? ये सब क्यों किया? सिमरन सारी बात बता देती है कि कैसे फटी ड्रेस होने की वजह से बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और मजाक बनने के डर से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये बात सुनकर तीनों लोग रोने लगते हैं। रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हमें फिर से दाखिले के लिए पैसे जुटाने होंगे और स्कूल के लिए ड्रेस भी। आप पैसों के बारे में सोचिए, मैं ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। दिनेश के पास अब ना तो बेचने के लिए अनाज बचा था, इसीलिए वो अपने आधी खेत को गिरवी रखता है और उससे मिले पैसों से सिमरन का फिर से दाखिला करवाता है। सीमा भी दिन रात मेहनत करके घास को बुनकर सिमरन के लिए स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग तैयार करती है। सिमरन घास की स्कूल ड्रेस पहनकर और घास के बने बैग को लेकर स्कूल जाती है, पर फिर भी स्टूडेंट सिमरन का मजाक उड़ाते हैं। पर इस बार सिमरन किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और मन लगाकर पढ़ाई करती है। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए खेत तक गिरवी रख दिए हैं। मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पापा को खुश कर दूंगी। एग्जाम का रिजल्ट आता है और सिमरन अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। जो भी स्टूडेंट्स फटे कपड़ों की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सिमरन, हमें लगता था कि सिर्फ नए कपड़े पहनकर ही पढ़ाई की जा सकती है, पर तुमने तो फटे हुए कपड़ों में ही क्लास में टॉप कर दिया। अच्छा, मैथ्स में हमारे कुछ डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करने में हेल्प करोगी ना? हाँ हाँ, जरूर करूंगी। क्लास में टॉप करने पर सिमरन को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें उसकी फीस की माफी के साथ साथ स्कूल ड्रेस और कुछ नई बुक्स भी मिलती हैं। ये देखकर दिनेश और सीमा बहुत खुश होते हैं। हमारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, खेत गिरवी रखने का अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब तो कल से तुम नई ड्रेस पहनकर स्कूल जाओगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बनाई हुई ये घास की ड्रेस ही पसंद है। इसी ड्रेस को पहनकर मैंने क्लास में टॉप किया था और इसी ड्रेस को पहनकर मैं आगे की पढ़ाई भी करूँगी। सिमरन घास की ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करती है और आगे भी हर एक क्लास में टॉप करती है। सिमरन को कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिलती है और वो अपनी जॉब की पहली कमाई अपने पापा दिनेश को देती है। ये लीजिए पापा, आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है।
मैं आज जो भी हूँ आपके और माँ के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। सभी खुश हो गए और अपनी जिंदगी जीने लगे।